राजदीप सरदेसाई हमारे देश का वो नाम है जिसे आज किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कोई लेफ्ट विंग का हो, राइट विंग का हो या फिर सेंटर का हो, जब भी वो न्यूज़ एंकर्स की बात करता है तब राजदीप सरदेसाई को जरूर गिनता है। जलवा है हमारा। कोई अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो, अगर वो पॉपुलर हो जाए और राजदीप को उसका इंटरव्यू ना मिल पाए, सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि हर इंसान राजदीप को यही बोलता है, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। बंदा देसी हो या फिर विदेशी, पर राजदीप के शो पर आकर या तो वो उसकी बेइज्जती करेगा या फिर उसके सवालों को इग्नोर, पर उसके शो पर आएगा भी जरूर और उसकी बजाएगा भी जरूर। Forgive me, India's intellectual class is anti-India. As a class. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सेल्वेटोर बाबोन्स एक अमेरिकन सोशलिस्ट हैं जिसको राजदीप ने अपने शो पर बुलाया था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाकर राजदीप ने उनसे सवाल किया कि क्या आपके हिसाब से भी भारत में आज पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है, क्या आपको भी लगता है कि भारत में आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड इन इंडिया नेक्स्ट ओनली टू चाइना इन द लास्ट वन ईयर। That was used to again suggest that democracy in India and journalism in India is under threat. So the number of journalists killed is the largest number in a single country outside China, which sounds dramatic. Until you make the very elementary adjustment, what about per capita? So it turns out that in India, there were 3.5 journalists killed per billion people. That's 3.5 too many. In rest of world, there were 6.3 killed per billion people. In fact, it's safer to be a journalist in India. Press Freedom Index now ranks India below Hong Kong. 2022, this is post-security law, post the closing of Apple Daily, the abduction of its publisher, the demolishing of its printing presses. Now, you journalists in India tell me, are you more oppressed than journalists in Hong Kong? राजदीप को उम्मीद थी कि ये बंदा विदेशी है तो पक्का भारत की बुराई ही करेगा, लेकिन इन्होंने उल्टा राजदीप की ही लगा डाली। In fact, it's safer to be a journalist in India. Now, you journalists in India tell me, are you more oppressed than journalists in Hong Kong? You know, I have always believed that journalists are relatively free in India compared to most parts of the world. मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला? बाबोन्स ने नंबर्स के साथ राजदीप का मुंह बंद कर दिया। पूरा डेटा राजदीप के मुंह पर दे मारा कि इंडिया में 1 बिलियन लोगों की आबादी पर मात्र 3.5 जर्नलिस्ट की हत्या होती है, जबकि बाकी पूरी दुनिया में इतनी ही आबादी पर 6.3 जर्नलिस्ट मारे जाते हैं। अब आप बताओ, भारत पत्रकारों के लिए सुरक्षित है या नहीं? Now, you journalists in India tell me, are you more oppressed than journalists in Hong Kong? राजदीप की हालत उस पिटे हुए पहलवान जैसी हो गई थी जो ना तो हार मानने को तैयार था और ना ही उसके अंदर लड़ने की हिम्मत बची थी, और सेल्वेटोर बाबोन्स ये बात समझ चुके थे तो उन्होंने राजदीप को एक और पंच दे मारा। I don't excuse that, but I do understand it. If you're exercising editorial oversight about narratives for 150, 170 countries, that's a lot of oversight. To exercise, it's a lot of hard work. But fundamentally, these biases don't creep in because the organizations are anti-India. They creep in because, forgive me, India's intellectual class is anti-India. Now it's there. Now it's in the New York Times. Now it's in the Washington Post. That is a problem for India and for Indians. मतलब जो बात हम लोग हमेशा से ही सोशल मीडिया पर बोलते आए हैं, वो बात एक अमेरिकन सोशलिस्ट ने राजदीप के सामने बैठकर, एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल के सामने बैठकर उसके मुंह पर बोली है। Forgive me, India's intellectual class is anti-India. खैर, अगर आप ये पूरा डिबेट ही देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हाँ, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है तो कुछ लोगों को समझने परेशानी हो सकती है, पर कोशिश कीजिएगा, देखने की मजा आएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमारे प्यारे राजदीप के लिए 2 शब्द जरूर बोलकर जाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर आएं। लिंक इसका भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।